Ay. इस वीडियो में मैं आपसे थोड़ा जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का सीधा सीधा मकसद मेरा यही है, मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ जो अपने घरों में बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं। इस वक्त काम चल रहा है बाहर और लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं खानों को। मैं आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वक्त भी बाहर निकल के लोगों की मदद कर रहे हैं, और हम उम्मीद आपसे यही कर रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी डोनेट करें और आप भी किसी भी तरीके से इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें ताकि वो लोगों को और मदद मिले, ताकि वो लोगों तक और खाना पहुँचाए। अस्सलामुअलैकुम। फूड डिस्ट्रीब्यूशन का आज हमारा पहला दिन है और आलू चावल हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आज। आ गया भाई। आगे वीडियो में बात करेंगे विनय दुबे के बारे में। जी हाँ, विनय दुबे ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है, एक नसीहत है उनकी तरफ से। उन्होंने भारत सरकार से ये निवेदन किया है कि वो अपने एसी डब्बों को, जैसे कि हम जानते हैं हमारी रेलवे अभी बंद है और उनके एसी कंपार्टमेंट इस वक्त खाली है, तो विनय दुबे के बयान के मुताबिक वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उन एसी डब्बों को आइसोलेशन सेंटर बना दे ताकि अगर भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ जाएं तो हमारे एसी डब्बों को आइसोलेशन घर बना करके वहां पे लोगों को रखा जा सके एसी कंपार्टमेंट्स में। भारत में ज्यादा हॉस्पिटल ना होने की वजह से विनय दुबे का मशवरा काफी फायदेमंद मालूम हो सकता है। रेलवे के एसी कोचेस पड़े हैं जो उपयोग में नहीं है पैसेंजर ट्रेनों में, तो अगर हम लोग उसको आइसोलेशन बेड की तरह अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसमें मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए। नसीहत तो बहुत अच्छी है, लेकिन देखते हैं भारत सरकार इस बात पर कितना अमल करती है। आगे खबर में बात करेंगे कोलकाता में हो रहे इस वक्त अनाउंसमेंट के बारे में। जी हाँ, गली गली में पुलिस वाले माइक लेकर के वहाँ ऐलान कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने घरों में रहे। थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि वहाँ के पुलिस वाले किस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाहर घूमोगे, आप वायरस इफेक्टेड हो जाओगे, आप में वायरस आएगा, वही वायरस लेके आप अपने घर में आओगे, घर में आने के बाद वही वायरस आप अपने माँ बाप को दोगे, बी बच्चों को दोगे, दोस्त यार को दोगे, अड़ोस पड़ोस के आदमी को दोगे, खुद तो जाओगे, सबको लेकर जाओगे। मेरे हिसाब से ऐसे ऐलान हर जगह होने चाहिए, हर गली मोहल्ले में ऐसे ऐलान को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर इलाके मोहल्ले में लोग बैठ करके अड्डे मार रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, जबकि उनको घरों में रहने बोला है। रही बात डोनेशन की, तो मैं आपके लिए लिंक नीचे भेज दूंगा, आप वहां से पे करके डोनेट कर सकते हैं। बाकी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।